हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगपांगी एजुकेशन हब में। मैं आज आपके लिए दूसरी वीडियो लाने जा रहा हूं, तो प्लीज आप इसी वीडियो को जरूर देखें। और हां, आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। और जो कल की वीडियो मैंने डाली थी उसकी भी पीडीएफ फाइल मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सवालों से। करो या मरो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये आंदोलन अगस्त 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इस दिन बम्बई के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव ही भारत छोड़ो आंदोलन बना। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो दांडी मार्च है, जो पहले ऑप्शन जो दांडी लिखा है वो दांडी मार्च है। ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक, 12 मार्च 1930 में हुआ और ये अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से की थी, यानी कि इसकी शुरुआत जो होता है अहमदाबाद साबरमती आश्रम से की थी। ठीक है, उसके बाद है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से, ठीक है, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। ठीक है, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है वो 1915 से 1924 तक, यानी 1924 तक चला। ठीक, खिलाफत आंदोलन 1915 से 1924 तक चला। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस विषय से संबंधित है? ये जो है जम्मू और कश्मीर राज्य से है। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करने का ऐलान किया गया था उस टाइम। ठीक है, इसके साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग राज्य बनाया गया, यानी कि अब जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो होता है विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, विधानसभा वाला, और जबकि लद्दाख जो है बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक, उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो कार्यकाल पहले था वो 6 वर्ष था। ठीक, जब 370 नहीं हटा था तब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्षों तक था। ठीक, अब लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया। ठीक है, 370 हटने के बाद ये 5 वर्ष का हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों के लिए कौन सा अनुक्रम सही है, यानी कि क्रमबद्ध लगाना है हमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, देखो अगर हम इसको रैंक के हिसाब से देखें, ठीक है, तो राज्यों के जो राज्यपाल है वो 4th रैंक में और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो 6th रैंक में। ठीक, राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो 7th रैंक में और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 9वें नंबर पर है। ठीक है, 9वें नंबर पर है। ठीक है, देखो यानी कि 4, 6, 7, 9, ठीक, एक क्रम बन गया ना, सबसे ऊपर राज्यपाल है राज्यों के, फिर मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर मुख्यमंत्री, फिर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब देखो राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है तो हम जानते होंगे कि उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक, ये है उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ठीक, उसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है अरविंद बोबड़े, यानी कि इसको कह सकते हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये है अरविंद बोबड़े। ठीक, उसके बाद
राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, ठीक है, ये है सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क स्टेशन है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शुष्क स्टेशन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ले, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। कैसे, देखो ले जो होता है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, उसके बाद है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, ठीक। लद्दाख क्षेत्र को दो जिलों को जोड़कर बनाया गया, ठीक है, लद्दाख को दो जिलों को जोड़कर बनाया गया, एक तो है लेह, ठीक है, दूसरा है कारगिल, ठीक, पहला है लेह दूसरा कारगिल, इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया, लद्दाख बनाया, ठीक, इन दोनों जिलों को जोड़कर लद्दाख बना, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जा सकता है, ठीक, वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे उत्तर लद्दाख के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनका नाम है श्री राधा कृष्ण माथुर, ठीक, श्री राधा कृष्ण माथुर है, ठीक है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आदिवासी समुदाय नहीं पाए जाते, इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ ने जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की, ठीक, जबकि महाराष्ट्र में 2011 की जनगणना के द्वारा, ठीक है, 2011 की जनगणना के द्वारा इसकी कुल जनसंख्या महाराष्ट्र में 9.4 है, ठीक है, जबकि चंडीगढ़ में 30% है, ठीक, कर्नाटक में 7% है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रुपयों की परिवर्तनीयता का अर्थ है, क्या अर्थ है रुपयों की परिवर्तनीयता का, रुपयों की परिवर्तनीयता का जो अर्थ है वो है रुपयों के अन्य विदेशी मुद्राओं में रूपांतरण की स्वरूप स्वतंत्र रूप से अनुमति और ठीक इसके विपरीत भी, ठीक, यही ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांडी किरणें, ब्रह्मांडी किरणें क्या है, ब्रह्मांडी किरणें एक आवेशित कण होती है, ठीक, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉस्मिक जो किरणें होती है मुख्य रूप से धनात्मक आवेशित प्रोटॉन से युक्त होती है, कॉस्मिक किरणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और गामा किरणें भी शामिल होती है, ठीक, इस कारण ब्रह्मांडी जो किरणें होती है वे आवेशित कण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एम आर कंदुबुर जनार्दनन जिनका अभिनंदन हो गया वे किससे संबंधित है, वे राजनीतिज्ञ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महामारी से निपटने की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, महामारी से निपटने की तैयारी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 27 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं खबरी ऐप में भी जुड़ चुका हूँ, तो प्लीज आप मेरे को खबरी ऐप में फॉलो करें। खबरी ऐप में मेरे चैनल का नाम है जनपंगी एजुकेशन हब। खबरी ऐप में मैं आपके लिए डेली के करंट अफेयर्स लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज आप मुझे इसमें फॉलो करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।